सो गाइज यहाँ पर देखेंगे डब्लू का नवा वीडियो है, और यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। ओके, WALL, वॉल का मतलब दीवार, और वॉल से रिलेटेड ही यहाँ पर हम लोग वर्ड देखेंगे। देखिए दूसरा वर्ड है वॉल क्रैश। वॉल क्रैश का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा जिसको पत्थर फोड़िया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पत्थर फोड़िया। ओके, यानी कि एक प्रकार का पौधा है। और तीसरा वर्ड फ्रेंड्स वॉल पेपर। वॉल पेपर का मतलब होता है दीवार पर चिपकाने का कागज। ओके, वॉल पेंटिंग का मतलब होता है दीवार पर बनाया गया चित्र, उसको बोलेंगे वॉल पेंटिंग। देखिए वॉल बोर्ड का मतलब होता है दीवार पर लगाने का पतला जो तख्ता होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं वॉल बोर्ड। ओके, WALL POARD। देखिए वॉल फ्लावर का मतलब होता है दीवार पर उगने वाला पुष्प, मतलब कि फूल। ओके, तो वॉल फ्लावर का मतलब दीवार पर उगने वाला पुष्प या दीवार पर उगने वाला फूल। देखिए लास्ट वर्ड फ्रेंड्स वॉल नॉट। वॉल नॉट का मतलब होता है रस्से के किनारे पर गुथी हुई गांठ, उसको बोलेंगे वॉल नॉट, WALL KNOT। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का वॉल, जो कि दीवार होता है। वॉल क्रेस का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा जिसको पत्थर फोड़िया कहते हैं। वॉल पेपर का मतलब होता है दीवार पर चिपकाने का कागज है। वॉल पेंटिंग का मतलब होता है दीवार पर बनाया गया चित्र। वॉल बोर्ड का मतलब होता है दीवार पर लगाने का पतला तख्ता। ठीक है, वॉल फ्लावर का मतलब होता है दीवार पर उगने वाला पुष्प यानी कि फूल। वॉल नॉट का मतलब होता है रस्सी के किनारे पर गुठी हुई गांठ। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से 7 नए वर्ड लेकर के। नमस्कार।